जैन साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान विद्वान और बलवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान पुलिस की छावनी में। मेरे सभी भावी जो कांस्टेबल साथी है, सिपाही है, सभी जुड़ जाएं। साथियों आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। राजस्थान में एक नई बटालियन जिसका गठन होना था RISF, उसका गठन हो चुका है और आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस में भी बहुत सारी वैकेंसी है वो निकल कर आ चुकी है। अब बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है, कौन सी भर्ती है। अब आपकी नौकरी लगना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है। ये मौका केवल आपको पहली बार वैकेंसी आई है, नई बटालियन है तो पहली बार आपको मौका मिला है और जो लोग यहाँ पर जिनकी कम भी तैयारी है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट होने का पूरा चांसेज रहेगा। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। पूरी जानकारी मैं आपके लिए सटीक लेकर आ चुका हूँ। सभी साथी जुड़ जाएं, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों अब देखो बात करते हैं राजस्थान पुलिस में। इसमें देखो एक अपनी भर्ती आई है RISF, ये नई बटालियन का गठन हुआ है। सबसे बड़ी बात, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को। आप बोल रहे थे कि सर आप जयपुर जाकर आए, हमारे लिए क्या लेकर आए, तो ये लो RISF लेकर आ गया मैं आपके लिए। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे CISF होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वैसे ही राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। गुरुजी ये क्या काम करेगी सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। एक होती है राजस्थान में RSC बटालियन, यानी रॉयल आर्म कोर। कौन सी बटालियन? RSC बटालियन। देखो साथियों इसके अंदर पद आए हैं वो 3100 पद है। कितने हैं? 3100 पदों पर भर्ती आई है। RSC बटालियन की बात करूं तो इसका गठन हुआ था 1952 में और इसका गठन अभी 2023 में हुआ है। आप सभी को पता है इसका गठन 2023 में अभी हुआ है, इसका 1952 में हुआ था। 1952 में उस समय गठन हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे लगे थे नौकरियां, इतना पढ़ने से कहीं भी आवश्यकता नहीं थी, उतना कंपटीशन भी नहीं था। इसमें टोटल पद कितने हैं RSC बटालियन में? 2000 पद है। अब बहुत सारे लोग इस यहां पर भ्रम में है कि सर RISF और RSC बटालियन एक ही है या अलग अलग है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि साथियों RISF और RSC बटालियन दोनों अलग अलग है। पहले एक बार यहां पर इस RISF के गठन को कैंसिल कर दिया गया था। पुलिस विभाग बहुत होशियार है, वहां पर जो बैठे हैं दादा, उन दादा ने सोचा कि यदि RSF अलग बना दिया तो RSC बटालियन जो पुलिस वाले इनके हाथ से पूरा कंट्रोल निकल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस RSC बटालियन के जवानों को ही लगा दो यहां पर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिमाग लगाया और युवाओं को कहा कि तुम मुझे बोर्ड दो, अरे तुम मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। फिर भी अशोक गहलोत ने यहाँ पर अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और RSF ये बटालियन ही अलग बना दी। अब RSC का कोई ताल्लुक नहीं है, तो गुरुजी RSC और RISF अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग बना दिए। साथियों ध्यान रख लेना इसमें 3100 पद है, तो सर RSC बटालियन इसमें योग्यता क्या है? इसमें केवल 10वीं पास ही है, 10वीं पास, CET जरूरी नहीं है, बिना CET के आप फॉर्म भर सकते हैं। RSC बटालियन इसके अंदर इसमें भी 10वीं पास है, 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं, तो सर क्या इन दोनों में अलग अलग भर्ती है? तो हाँ बिल्कुल इन दोनों में अलग अलग भर्ती आई है। RSC बटालियन में लगभग 2000 पदों पर आएगी, इसमें अभी आई नहीं है RSC में, ध्यान रख लेना इसमें लगभग 2000 पदों पर अलग भर्ती आएगी, ये पहले बता देता हूँ। और RISF में इसमें अलग है, तो गुरु जी किसमें फॉर्म भरें? दोनों में ही फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की बिल्कुल भी फीस नहीं है, वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा ले अभी आप SSOIT में जाकर, आपको फीस बिल्कुल एक रुपया भी आगे नहीं देना है, बिल्कुल आपका फ्री फॉर्म भराया जाएगा। तो इन दोनों का ही आपको फॉर्म लगाना है। अभी RSF का फॉर्म स्टार्ट होगा, RSC का अभी कुछ न्यूज आई नहीं है, तो इन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। एक होता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जो जिला पुलिस है, GRP वाले है, CIDIP वाले है, ड्राइवर के, इनमें अलग अलग पोस्ट आती है, तो इसका अलग है। इसमें 3500 पद है, इसमें 3500 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है और इसके अंदर ध्यान रख लेना इसमें 12वीं पास है और इसमें CET लागू है। यदि आपको ये परीक्षा देना है तो CET जरूरी है, बाकी इसमें भी CET जरूरी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और एक और यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है जेल प्रहरी की, जेल जो जेल होती है उसमें जो पैरा देते हैं कॉन्स्टेबल होते हैं उनकी, उसमें 1000 पद आएंगे, लगभग 1000 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो ये चार भर्तियां राजस्थान में आ चुकी है पुलिस की। तो गुरुजी इसमें RSF में क्या होगा, वर्दी कौन सी होगी, CISF वाली होगी या RSC बटालियन वाली होगी? तो इसमें वर्दी RSC बटालियन राजस्थान पुलिस की, जवानों की जो वर्दी है सिपाहियों की, वही वर्दी इसके अंदर होगी, सारा वही सिस्टम रहेगा, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत अलग कर देंगे, जैसे जिला पुलिस वालों की कैप टोपी अलग होती है, बेल्ट अलग होता है। RSC बटालियन वालों की जो टोपी होती है, कैप होती है, वो गोल होती है, बेल्ट भी अलग होता है, ठीक है। RSC वालों का वैसे इसमें थोड़ा बहुत अंतर कर देंगे, कैप के अंदर, बेल्ट में थोड़ा बहुत अंतर, वर्दी में थोड़ा बहुत अंतर कर देंगे, बाकी सेम ही है। तो मौज कर दी ढांगे, चार आपके लिए वैकेंसी है राजस्थान पुलिस में ही है, चारों में सैलरी समान है, पे ग्रेड समान है,
सारे आपके यहाँ पर चीजें हैं वो समान मिलेगी। तो चारों में से आप किसी में भी नौकरी लगते हो तो आप राजस्थान पुलिस के जवान ही कहलाओगे। तो आप चिंता ना करें, इनमें से किसी का भी आप आवेदन करें, सभी का आवेदन करें, इसमें सीटी पास नहीं हो तो ये तीनों भर्तियां आपके लिए है। अब देखो, अब हम बात करेंगे आरआईएसएफ की। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, सर आरआईएसएफ की तैयारी के लिए कौन सी बुक लेकर आए, या राजस्थान पुलिस आरएसी बटालियन के लिए, इसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल है जिला पुलिस उसके लिए। तो बहुत ही शानदार बुक है जो अभी तक सबसे ज्यादा सिलेक्शन दी है, और नया पब्लिकेशन आया है 2023 का, चक्षु पब्लिकेशन का। चक्षु पब्लिकेशन की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बुक आई है, बहुत ही शानदार। तो पूरा इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, जो भी सिलेबस है। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट, वो भी पूरे व्याख्या सहित मिलेंगे, और 5 सोल्ड पेपर इसमें मिल जाएंगे व्याख्या सहित। तो आप ये बुक मंगवा सकते हैं राजस्थान पुलिस की, आप किसी भी भर्ती की इनमें से चारों की तैयारी कर रहे हैं तो। बहुत ही गजब की बुक है, और इसके अंदर आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकें, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं। कोई बुक शॉप पर आपको नहीं मिलती है ये बुक, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर डाल दूंगा इसको। तो ये बुक आप जरूर मंगवा लें ऑनलाइन, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखो आरआईएसएफ, इसके अंदर पद आए हैं 3072, इसकी घोषणा हुई है। इसके अंदर देखो 3 बटालियन है, आरएसी में जैसे अलग अलग बटालियन है, इसमें भी 3 बटालियनों का गठन हुआ है। और देखो जिला पुलिस वालों की ड्यूटी कहाँ लगती है, जो पुलिस थाने वहां पर ड्यूटी लगती है, ठीक है। आरएसी बटालियन वाले पूरे यहाँ पर बैरक में रहते हैं, सभी एक साथ में, कहीं मान लो चुनाव वगैरह हो रहे हैं, कहीं लड़ाई हो गई, दंगा हो गया, तो वहां पर सभी एक साथ में जाते हैं आरएसी वाले। वैसे ही आरआईएसएफ, इनमें ना तो लड़ाई दंगा आपको करना है, ना कहीं पथराव हो रहा है वहां कुछ करना है, आपका सिस्टम सबसे बेस्ट नौकरी है। इसमें भी 3 बटालियनों का गठन हुआ है, एक तो भिवाड़ी, एक चित्तौड़गढ़ और एक बालोतरा बाड़मेर में है। इन तीनों में ही अलग अलग यहाँ पर जगह, जिलों में आपकी ड्यूटी है, अलग अलग जिलों में इन तीनों को बांटा गया है। तीनों ही औद्योगिक क्षेत्र है, तीनों ही औद्योगिक धंधे यहाँ पर सबसे ज्यादा है। औद्योगिक क्षेत्र में आपको सुरक्षा करनी है, जो सरकारी जो अर्ध सरकारी जो कंपनियां हैं वहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी। तो बहुत ही शानदार नौकरी है, किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह वैसे कुछ नहीं करना है आपको, ना कुछ वहां पथराव होगा, बहुत ही शानदार नौकरी है। तो ये 3 बटालियनों का गठन हुआ है, तीनों बटालियनों में अलग अलग पोस्ट है, और यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। पदों का विभाजन मैंने कल ही बता दिया, इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट का पद है, साई कमांडेंट के 10 पद है, कंपनी कमांडेंट के 9 है, प्लाटून कमांडर के है, इसके अलावा हेड कांस्टेबल के 200 पद है, कांस्टेबल के 734। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये तो इतने कम ही पद हुए हैं, 3000 हुए ही नहीं, तो भी आप बिल्कुल इसके अंदर चिंता ना करें, पूरे 3000 ही पद है, और भी बहुत सारे पद है। सहायक लेखा अधिकारी के बहुत सारे है, कनिष्ठ लेखागार है, इसके अलावा सूचना सहायक, चिकित्सक नर्स है, वरिष्ठ सहायक चपरासी के पद है, कनिष्ठ सहायक है, कुक जो खाना बनाएंगे उनके पद है। टोटल आपके बहुत ही शानदार इसके अंदर अलग अलग पद है, तो आप इसके अंदर आवेदन जरूर करें, बहुत बेस्ट नौकरी है। योग्यता 10वीं पास है, सीईटी का एग्जाम इसमें आपको देना नहीं है, बिना सीईटी का होगी, और 10वीं पास है, पहले इसके अंदर पेपर होगा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सर इसमें पहले दौड़ होगी या पेपर होगा, तो पहले आपका इसमें पेपर पास करना है, उसके बाद में 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। लड़कों को 25 मिनट है और लड़कियों को 35 मिनट है। दौड़ की चिंता ना करें, आराम से आप कर लोगे, पहले पेपर की तैयारी करो, पेपर पास करके मेरे पास आ जाना, 1 महीने में आपको दौड़ पास करवा दूंगा। बाद में आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ये आपकी इजी प्रोसेस है भाई। अब देखो सिलेबस इसमें क्या है, देखो राजस्थान पुलिस, मैंने आपको जो बटालियन बताई है, आरएसी है चाहे आरआईएसएफ है, इसके अलावा जिला पुलिस है, कोई भी है, सब में लगभग सेम ही सिलेबस है। पेपर का थोड़ा लेवल चेंज होगा, जिला पुलिस वाला वो पेपर आता है उसमें थोड़ा क्या होता है, पेपर हार्ड आता है, इसमें पेपर क्या आता है आरएसी बटालियन में इजी आता है, और आरआईएसएफ का पेपर भी इजी ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसमें देखो राजस्थान का जीके तो 100% है, पर राजस्थान का करंट जीके, ये आपका चाहे कोई भी एग्जाम दे देना, आप जेल प्रहरी का भी दे देना, जेल प्रहरी में थोड़ा इंडिया जीके ज्यादा आता है, तो इनमें क्या है कि ये सिलेबस आपका रहेगा, इंडिया जीके प्लस करंट जीके और साइंस, जनरल साइंस के कुछ सवाल आते हैं गिने चुने, रीजनिंग तो आपकी 100% आनी है, इसके अलावा जो जेल प्रहरी है उसमें मैथ आती है, ध्यान रख लेना, और आरआईएसएफ में भी हो सकता है मैथ आएगी, वो सिलेबस अभी आया नहीं है, ऑफिशियल रूप से सिलेबस आएगा तब पता चलेगा, लेकिन मैथ उतनी ज्यादा नहीं आएगी। इसके अलावा कंप्यूटर तो जरूरी है ही है, सभी में कर दिया है, और महिला बाल अपराध। अब इन सबको तैयार कैसे करें, तो आप अपना जो ऐप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना स्टडी एग्जाम एकेडमी, अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर हम कोर्स भी डाल देंगे। इसके अलावा अभी उसके अंदर आपको मिलेगी महिला बाल अपराध की ई बुक मिल जाएगी, पूरा महिला बाल अपराध, और कंप्यूटर की 3000 प्रश्नों की, कंप्यूटर के बहुत ही शानदार, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती में इसी में से सारे सवाल आए थे,
ये दोनों ईबुक अपने ऐप में अभी मिल जाएगी, वो अभी डाउनलोड कर लें, बाकी पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन में, तो वहां से आप ले सकते हैं। रीजनिंग भी मिल जाएगी, राजस्थान जीके, करंट जीके, ये अभी आज शाम को पूरा कोर्स है वो डाल दिया जाएगा, जो भी साथी तैयारी करेंगे। करंट जीके भी उसमें मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बाकी अपने यूट्यूब चैनल पर भी रेगुलर क्लास है वो चलेगी, वो तो चलती रहेगी। तो ये सिलेबस अपने ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां से आपको पूरा आपका कवर हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपका कब होगा? अगस्त में, 15 अगस्त के बाद में आपके फॉरम स्टार्ट हो जाएंगे आर आई सबके। फॉरम भरने की फीस आपकी है नहीं, बिल्कुल 0 रुपए है। परीक्षा संभावित डेट, तो आपकी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में इसकी संभावित डेट है, अभी फिक्स नहीं हुई है कब होगी, लेकिन नवंबर दिसंबर में आप मान के चले कि आपकी परीक्षा हो सकती है। ये आर आई सब है, कोई अलग नहीं है, वही वर्द। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर राजस्थान पुलिस की तरह वर्दी होगी क्या? बिल्कुल वही वर्दी है और सबसे बेस्ट नौकरी आपकी रहेगी, तो आप इसमें आवेदन करें, महिला और पुरुष दोनों को इसमें मौका है। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।